एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल दिया है हमें डिवाइड में, और यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट है, एन की जगह एन इक्वल 6 दिया है हमें और आर इक्वल 2 दिया है, फर्स्ट पार्ट ये, और सेकंड पार्ट है एन इक्वल 9 दिया है हमें, आर इक्वल 5 दिया है। तो देखिए पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, एन इक्वल 6 है और आर इक्वल 2 है, और हमें इवेल्यूएट किस में करना है, ये हमें एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस, सॉरी यहाँ पर ये फैक्टोरियल यहाँ पर है, ओके, एन माइनस आर फैक्टोरियल, ओके। यहाँ पर हम एन की जगह 6 रखेंगे, तो देखिए 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस आर की जगह क्या है हमारे पास 2, तो 2 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख देता हूँ, 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू कितना हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। 6 फैक्टोरियल को मैंने खोल दिया है, अभी हमारे डिवाइड में कितना बचेगा, 3 फैक्टोरियल, 3 ना 4 फैक्टोरियल, ओके। 5 6 माइनस 2 कितना बचेगा, 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। तो ये सारी टर्म यहाँ से, ये इतनी टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर क्या बच रहा है हमारा, 6 इंटू 5 कितना हो गया, 30, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट इसी प्रकार हमें एन इक्वल 9 दिया है और आर इक्वल 5 दिया है हमें सेकंड पार्ट में, ओके। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू किस में पुट करनी है हमें, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल में, ओके। एन फैक्टोरियल की हमारी क्या वैल्यू है, 9, एन की हमारी क्या वैल्यू है, 9, और यहाँ पर एन की वैल्यू 9 और आर की वैल्यू 5, ओके, इसका फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख देखता हूँ, 9 इंटू कितना हो गया, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके, पूरा खोल कर लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। यहाँ से ये 1 से लेकर 4 तक, ये 1 से लेकर 4 तक कैंसिल हो जाएगी क्योंकि डिवाइड में, और इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे 5 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 30 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना आ गया, 21, ओके। इसकी मल्टीप्लाई हम 8 से कर लेते हैं, तो 8 से करेंगे तो 0 यहाँ पर आ जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 16, और इसकी मल्टीप्लाई हम 9 से कर लेते हैं, 9 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 से करेंगे तो 72, और 2 आ जाएगा यहाँ पर, 7 पावर चली जाएगी, और 5 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 56, 56 प्लस 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और पावर 1, और ये कितना हो गया, 63, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर और 6 पावर चल जाएगी। फिर 9 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 9 और प्लस 6 कितना हो गया, 15। तो ये हमें क्या आंसर मिल रहा है, 15,320, ओके। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।